हेलो, मैं हूँ नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, जो विंडोज 10 की स्टार्ट मेन्यू, उसको कैसे कस्टमाइज़ करें, उसको कैसे बेस्ट लुक दें जिससे आपका कंप्यूटर बहुत ही बेहतरीन और अच्छा लगे। उस देखिए विंडोज 10 में ऐसे बहुत सारे टूल है जिसकी मदद से हमारे जो मेनू, इसको हम बहुत ही अच्छा और बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू। मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर लिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ फोल्डर लगाए हैं। इस प्रकार आप भी यहाँ पर कुछ फोल्डर लगा सकते हैं, जैसे डाउनलोड, म्यूजिक, वीडियो। उनको कैसे लगाना वो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। देखिए, उनको लगाने के लिए हमारे पास उनको लगाने के लिए हमें पहले सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद में जो पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद में जो थीम के नीचे स्टार्ट लिखा है उस पर क्लिक करना, और नीचे लिखा है विच फोल्डर यू अपीयर ऑन स्टार्ट। यहाँ पर जो चाहिए डॉक्यूमेंट, सेटिंग, जो जो चीज़ हम ये क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर वो आ जाएंगे। दूसरा मेनू को बेहतर बनाने का तरीका, देखिए जो मेनू है आप देख रहे हैं मोस्ट यूज्ड या फिर जो रिसेंटली ऐप यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो उनको एडिट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें वही है, सेटिंग में जाना है, पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करना है और स्टार्ट के अंदर जाना है। स्टार्ट अंदर और यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम, जैसे कि शो ऐप इन लिस्ट या फिर मोस्ट रिसेंटली ऐप, शो मोस्ट ऐप, मतलब जब आप चाहते हैं, जैसे कि जब अगर आप रिसेंटली नहीं चाहते यहाँ से हटा लीजिए, और आप जो मोस्ट चाहते हैं उसको ऊपर रखिए। हम जैसे चाहे वहाँ यहाँ से एडिट कर सकते हैं हमारे मेनू को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा तरीका। देखिए इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पता होगा कि विंडोज 10 में आप मेनू की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, लंबा चौड़ा छोटा मोटा कैसे भी बना सकते हैं। ये उसका सबसे अच्छा है, क्योंकि देखिए कुछ कुछ लोगों का लैपटॉप छोटा होता है, किसको बड़ा चाहिए, तो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक तरीका ये है कि आप फुल स्क्रीन मेनू भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं फुल स्क्रीन मेनू था वो, तो उसमें कर सकते हैं। वही तरीका, हमें स्टार्ट उसमें जाना हो, यहाँ पर लिखो आ रहा है यूज थ्रू फुल स्क्रीन, तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट पर आपको फुल स्क्रीन पर आपकी मेनू शो होगी। ये लैपटॉप के लिए अच्छा रहेगा मेरे अनुसार। चौथा है, उसके अंदर अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, आप इसमें शॉर्टकट ले सकते हैं। पिन टू स्टार्ट करेंगे तो वो ये गैजेट के अंदर दिखाई देगा बड़ा में, और तो अगर आप मोर में जाकर पिन टू टास्क करेंगे तो वो नीचे शॉर्टकट की तरह दिखाई देगा, मतलब टास्क बार में दिखाई देगा आपको। आप किसी भी सॉफ्टवेयर चला सकते यूज़ कर सकते हैं। पाँचवा, देखिए इसमें सबसे बेहतरीन जो ऐप है उनके आइकन हम छोटे बड़े लार्ज बड़े भी कर सकते हैं, और उसके अंदर लोकेशन का ऐप भी है। अगर आप चाहें तो लोकेशन में भी जा सकते हैं, उनकी लोकेशन देख सकते हैं। बाहर भी ये सी ड्राइव के अंदर ही बताते हैं, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता। और देखिए इसके अंदर एक और बेहतरीन है, जो आपकी मेनू, अगर आप चाहते हैं जो आपकी ये थिम्बल आपको नहीं दिखाई देता, आप मोर में जाकर लाइव टाइल्स ऑफ कर दीजिए, आपको थिम्बल दिखाई नहीं देगा, आपका प्रोसेसर पावर भी बचेगा और आप इसको बेहतर और अच्छे बना सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। अगर कोई न्यूज़ ऐप आता है उनके लिए भी कर सकते हैं। छठे के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर इसके अंदर आप एक ग्रुप बना सकते हैं, जैसे आप एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर बनाते हैं कि जो आपके गेम एक साइड, ब्राउजर एक साइड, तो इसमें हम ब्राउजर का अलग ग्रुप बना सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट ऐप है उनका अलग बना सकते हैं। तो ये इसके अंदर है, आप चाहे तो साइड में इस प्रकार कर सकते हैं। जो सातवा है, इसके अंदर आप जो आप देख रहे हैं जो मेरी मेनू, इसका कलर ब्लैक है। आप चाहे जैसे कलर ले सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिक, जैसे कि ऑटोमेटिक कलर भी ले सकते हैं जिसमें ऑटोमेटिक कलर चेंज होते रहेंगे। अगर आपको चाहिए नहीं मुझे काला लाल जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, जो आठवां है, इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अनुसार नाम के अनुसार भी सेट कर सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर आइकन आपकी मेनू के अंदर, क्योंकि अगला बार जब भी खोले तो आपको इम्पोर्टेंट ऊपर दिखाई दे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये बनाया जो आपके विंडोज कंप्यूटर मेनू, उसको हम किस प्रकार एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो बेल आइकन उसको जरूर दबे ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाए डालें तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। जब तक के लिए थैंक यू।